इन दोनों ही तस्वीरों के बीच गहरा रिश्ता है। एक तस्वीर में पीएम मोदी चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत चीन से सटे राज्य अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों तस्वीरों के बीच की टाइमिंग पर ध्यान दे तो खबर बड़ी हो जाती है। दरअसल कूटनीति में माहिर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के मिशन में जुटे हैं। इसके लिए वो हर कूटनीतिक और राजनीतिक दांव आजमा रहे हैं। डोकलाम पर चीन को एक कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी सीमा विवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एक और पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के किंगदाओ शहर को रवाना हुए, तो दूसरी ओर सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश के तांगसिंग इलाके का दौरा करने निकल पड़े। सेना प्रमुख ने तांगसिंग की अग्रिम चौकियों का दौरा किया, साथ ही सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों से सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर करने को लेकर कदम उठाने को कहा। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख रावत का चीन सीमा से सटे इलाकों का ये दौरा कूटनीति का हिस्सा था। पीएम मोदी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि सीमा पर शांति स्थापित किए बिना दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि सीमा विवाद पर चीन को रास्ते पर लाने के लिए पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। उनका अप्रैल महीने में चीन के वुहान का अनौपचारिक दौरा भी इसी कूटनीति का हिस्सा था। पीएम मोदी ने वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक वार्ता की थी। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का अनौपचारिक दौरा किया था।